हेलो फ्रेंड, shashi shukla.com किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बाकले की सब्जी बनाना बताने जा रही हूँ। ये देखिए, ये बाकला होता है। ये देखिए, ये ऐसे गोल गोल होता है और इसको हम इसकी नसें निकाल के और ऐसे काट लेंगे। पहले मैंने इसको धो लिया था, फिर मैंने काटा है और मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे काटना है। मैंने दो बचा के रखे हैं आपको दिखाने के लिए। देखिए, इसकी नस ऐसे निकाल के और हमें इसको ऐसे काट लेना है। तो ये हमारा बाकला है। इस समय बाकला आसानी से मिल जाएगा सर्दियों के मौसम में। जब सर्दियां जाने वाली होती हैं तब मिलना शुरू होता है इसी मौसम में, फरवरी के मौसम में, जनवरी फरवरी से मिलना शुरू हो जाता है। तो ये बाकला है। इसके लिए मैंने आलू लिए हैं, छोटे साइज़ वाले आलू। मैंने 5 से 6 आलू उबाल लिए हैं। और ये देखिए, ये मैं अभी पीसूँगी। ये लहसुन 8 से 10 कलियाँ, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, और मिर्च 2 से 3 हरी मिर्च, जीरा आधा छोटा चम्मच, मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, लहसुन अगर नहीं खाते हैं तो आप ना लें। हींग ले लेंगे आधा छोटा चम्मच। तेल चाहिए हमें सरसों का, और रेगुलर मसाले जो कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, मेथी, मेथी दाना, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, और नमक हमें स्वाद अनुसार। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये सब्जी बनाने के लिए मैं लोहे की कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ। लोहे की कढ़ाई में ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है सरसों का। इसको हम गरम होने देते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड, हमारा तेल गरम हो गया है। इसमें हम 2 तेज पत्ते तोड़ के डाल देंगे और 1 साबुत लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हींग डाल देंगे, और जीरा आधा छोटा चम्मच, और 8 से 10 दाने मेथी के डाल दिए मैंने। मैंने आपको प्याज नहीं बताया था। प्याज मैंने बारीक काट लिया, 1 छोटा प्याज है तो ये मैंने बारीक काट लिया है, ये भी डालूंगी। इसको हमें पीसना नहीं है, भूनना है, फ्राई करना है मसाले के साथ। तो अब ये देखिए, मसाला हमारा जीरा वगैरह ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए फ्रेंड, हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। ये देखिए, अब हम इसमें ये अपना बाकला डाल देंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। बाकला डाल के हमको 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, बाकला 2 से 3 मिनट फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें अपने मसाले, जो लहसुन और खड़ा मसाला हमने पीसा था, वो डाल देंगे। और उसके बाद हम थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक, और अपने रेगुलर मसाले, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, हल्दी आधा छोटा चम्मच। गरम मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने इसमें खड़े मसाले भी पीसे हुए हैं। तो ये सारा डाल के हमें मिक्स कर लेना है। हम इसमें टमाटर का यूज़ नहीं करेंगे, लास्ट में हम अमचूर डालेंगे इसमें। अगर आप खाते हो तो डालिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं। और आलू को हमें ऐसे ही फोड़ के इसमें डाल लेना है, काटना नहीं है। इसको तोड़ देंगे हम ऐसे ही। ये देखिए फ्रेंड, हमें ये मसाला मिक्स कर लेना है इसमें, और इसे अभी हमें मसाले को अच्छे से लो फ्लेम पे भूनने देना है। गैस का फ्लेम हमें बहुत तेज़ नहीं रखना है, लो फ्लेम पे इसको अच्छे से भूनने देना है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर आप रसे वाली बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं। मैं ऐसी हल्की सी लुटपुटी, न ज़्यादा रसा, ऐसी रोटी से खाने के लिए बनाऊँगी। आप चाहें तो इसे ज़्यादा रसा लगा सकते हैं, ग्रेवी ज़्यादा कर सकते हैं, और आप चाहें तो आलू कम डालें, बीन्स ज़्यादा डालें। मैंने बीन्स 250 ग्राम ली थी, बाकला बीन्स, आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं। तो अब हम इसे भुनने देते हैं अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 5 से 7 मिनट मसाले को अच्छे से लो फ्लेम पे भून लिया है। ये देखिए, हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, और बीच बीच में चलाते रहें ताकि लगे नहीं मसाला हमारा। और आप ऐसे भी बिना पानी के भी इसको पका सकते हैं। आप एकदम सूखी खाना चाहें, टिफ़िन वगैरह में डालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं।
हमारी सब्जी पक चुकी है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ी देर पकने दूंगी। तो मैंने ये देखिए आधा ग्लास पानी डाला है, इसको थोड़ा सा हमें पकाना है, 5 से 6 मिनट बस हम इसे लो फ्लेम पे और पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी पक चुकी है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे, और हमने गैस बंद कर दी है। लास्ट में हम हरा धनिया डाल देंगे, और लोहे की कढ़ाई में आप अगर खाना बना रहे हैं तो उसको तुरंत खाली कर दीजिए पकने के बाद, नहीं तो काली पड़ जाएगी सब्जी। तो अब मैं इसको प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ, हमारी सब्जी बन गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बाकले की सब्जी तैयार है। मैंने प्लेटिंग कर दी है इसकी, थोड़ा सा ऊपर से धनिया डाल दिया, और जो मैंने तड़के में लाल साबुत मिर्ची डाली थी वो लगा दिया है। तो ये हमारी बाकले की सब्जी तैयार है, बहुत ही हेल्दी। आप जैसे मैंने बताया है वैसे बनाइए, रेसिपी को ट्राई करिए, और पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।